Sommer! Dean Sommer! Au, au, au! Au! BMW कार 230 की रफ्तार और मौत का लाइव इश्तेहार, चारों मरेंगे। रुकिए, एक मिनट, शांति। अब देखिए, ले लिया है, शांति रहो। स्पीड आउट ऑफ कंट्रोल, जिंदगी 100% ब्रेक फेल। हाई स्पीड रोमांच का जरिया है ये, मानकर चलिए मौत ही मिलनी है। स्पीड आ रहा है ना? हाईवे से गुजरते वक्त आपने ये मैसेज जरूर पढ़ा होगा, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, यानी रफ्तार रोमांस तो देती है लेकिन मारती भी है। ये सिर्फ चेतावनी भर नहीं है बल्कि हकीकत है। हाईवे पर हाई स्पीड यानी मौत, ये वार्निंग कैसे एक बार से रियल में साबित हुई, इसे आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से आई तस्वीरों से समझिए। एक्सीडेंट कितना खौफनाक था, इसे आप कंटेनर के पास जमा मलबे के अंजाम से खुद समझ सकते हैं। ये मलबा टुकड़े टुकड़े हो चुकी उस BMW कार का है जिस पर चार लोग सवार थे। चारों कौन थे, उनका क्या हश्र हुआ, आपको आगे बताएंगे। अभी आप हादसे से ठीक पहले की लाइव बातचीत सुन लीजिए। चल, कोई स्पीड ब्रेक मत करना, तीन से मार, आओ 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 आराम से, आओ आराम से। तो ये रोमांच रफ्तार का है, सनक स्पीड की है, ख्वाहिश कार की स्पीड को 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचाने की है। 200, 170 ये रिपोर्ट कीजिए जी। आ रहा है, कौन? 300 मार, 300 मार, 300 मार, आओ 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 आराम से, आओ आराम से। हाँ ठीक है, नहीं कंट्रोल करें, हाई करना है ना, हाई करके नहीं, कम से कम 290 होना चाहिए, 290। आओ आओ, 50,000 रुपये सर्विसिंग के ये लगा है, क्यों नहीं? BMW में सवार लोगों पर सुरूर छाया है, कैमरे का फोकस स्पीडोमीटर पर है, मंशा सिर्फ एक है, किसी तरह कैमरे में कार की स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड हो जाए। ऐसा नहीं है कि अंजाम का अंदाजा नहीं है, खतरे का एहसास नहीं है, लेकिन इसकी फिक्र कहाँ? चारों मरेंगे, रुकिए, एक मिनट, शांति। अब देखिए, ले लिया है, शांति रहो। हाँ, शांति शांति रहो, तभी चला पाएंगे। ना गाना चला देते हैं। गाने नहीं, गाने ना, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चल भी नहीं करेगा। चल जाएगा, चल जाएगा, हमारा आतिया कनेक्ट करना। जिसका अंदेशा था वही हुआ, यानी चारों के चारों मर गए। चारों मरेंगे, रुकिए, एक मिनट, शांति। चंद मिनट पहले जो खुद कह रहे थे वो सच हो गया, कंटेनर से BMW टकराई तो कार के परखच्चे उड़ गए और चारों कार सवारों के चीथड़े। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 230 की स्पीड से सुल्तानपुर की तरफ से आ रही BMW की उसी लेन पर लखनऊ से आ रहे कंटेनर से ऐसी टक्कर हुई कि कार का इंजन और चारों कार सवार दूर जाकर गिरे। एक शख्स तो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया और कार का पुर्जा पुर्जा चकनाचूर हो गया। हादसे के शिकार चार लोगों के बारे में बताएं, उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि कार और कंटेनर एक ही लेन पर आमने सामने से टकरा गई। बीते गुरुवार को भारी बारिश की वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धस गया। सुल्तानपुर के हालियापुर इलाके में KM-83 पर 5 फीट गहरा और 15 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे में कार फंस गई, ऐसे में आवाजाही वन वे यानी एक तरफा कर दी गई, जिसका नतीजा इस हादसे के तौर पर सामने आया।
एक्सप्रेसवे के वन वे होने की मुकम्मल जानकारी न होना इस अफसोसनाक एक्सीडेंट की वजह हो सकती है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या 230 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली BMW कार पर चाहकर भी ब्रेक लग सकता था? गाड़ी जब तेज चलती है तो स्पीड्स लाइक 150 या 200, तो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम जो है बहुत कम हो जाता है। तो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो वो उसको संभाल नहीं पाता, क्योंकि इतनी जल्दी वो सोच नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे आदत नहीं है इतनी हाई स्पीड में गाड़ी चलाने की। जिस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट मैक्सिमम 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो, उस पर 300 की स्पीड से BMW चलाने नहीं बल्कि एरोप्लेन की तरह उड़ान भरने का फितूर हो, तो फिर जिंदगी बचने की नहीं बल्कि मौत की गारंटी मिलती है। चारों मरेंगे, रुके रुके, एक मिनट शांति। अब देखिए ले लिया है, ये शांति रहो। हाँ शाम शांति है, शांति रहो तभी चला पाएंगे। एक पल के लिए सोचिए कि क्या हादसे को टाला जा सकता था? अगर कार की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो क्या ब्रेक लगना मुमकिन था? अगर रफ्तार 130 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कार पर कंट्रोल संभव था? अगर स्पीड 150 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कार पर काबू कैसे होता? अगर कार की रफ्तार 200 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कंट्रोल कैसे होता? जब आपकी गाड़ी इतनी तेज चलती है तो टायर टेम्परेचर बढ़ जाता है और टायर का जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाता है, और वो कॉन्टैक्ट पैड जो है उस हिसाब से उतना छोटा हो जाता है क्योंकि टायर और एक्सपैंड हो जाता है। तो इस पॉइंट पे अगर आप कोई भी सडन मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी जो है इट एक्सीड्स इट्स फ्रिक्शनल कैपेसिटी और वो स्लाइड करनी शुरू हो जाती है, तो उस पर गाड़ी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। यकीनन कंट्रोल करना संभव रहा होगा, तभी ये मंजर सामने आया। और कार में सवार बिहार के रोहतास के रहने वाले डॉक्टर आनंद प्रकाश, उनके रिश्तेदार झारखंड निवासी इंजीनियर दीपक आनंद, दोस्त अखिलेश सिंह और भोला कुशवाहा की दर्दनाक मौत हो गई। सवाल तो ये भी है कि सबसे महंगी और सबसे सुरक्षित माने जाने वाली BMW कार एक्सीडेंट का शिकार कैसे हो गई? इसे समझना भी बेहद जरूरी है। इस इंस्टेंस में भी ये जो क्रैश हुआ है ये हो सकता है कि इसी किसी रीजन से हुआ है कि जो ड्राइवर है उसको इतनी हाई स्पीड में गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस नहीं है, और कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटी है जिससे वो गाड़ी जो है उसके कंट्रोल से बाहर हो गई और ये क्रैश हो गया। जब BMW में सवार लोगों को मालूम था कि स्पीड बेकाबू हुई तो मरना लाजमी है, फिर भी इनके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये लोग कार की स्पीड को किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर 300 के लेवल पर ले जाने में आमादा थे? सड़क हादसों की वजह से दुनिया भर में हर साल सबसे ज्यादा मौतें भारत में ही होती हैं। साल 2021 में नेशनल हाईवे पर 53,615 लोगों की जान चली गई, तो स्टेट हाईवे पर भी 39,040 लोगों की जान गंवानी पड़ी। वहीं दूसरी सड़कों पर हादसों में 62,967 लोगों की मौत हो गई, यानी सिर्फ पिछले साल ही 155,622 लोगों ने सड़क हादसों में दम तोड़ दिया। इस आंकड़े के साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि 2021 में सड़क हादसों की वजह क्या थी, तो सबसे ज्यादा करीब 56% ओवरस्पीड की वजह से 87,050 लोगों की मौत हुई। इसके बाद खतरनाक और लापरवाह ड्राइविंग की वजह से 27.5% यानी 42,853 लोगों की मौत हुई। बावजूद इसके लोग हैं कि मानते नहीं, चलते सड़क पर हैं और गाड़ी को हेलीकॉप्टर समझकर उड़ाने से बाज नहीं आते। अफसोस की बात ये भी है कि सड़क हादसों के सबसे ज्यादा शिकार नौजवान ही बनते हैं। एक रिकॉर्ड के मुताबिक सड़क हादसों में सबसे ज्यादा 32% मौत 30 से 45 साल के लोगों की होती है। इसके बाद 31% मौत 18 से 30 साल के नौजवानों की होती है। ऐसे में हाईवे पर चलिए तो स्पीड के सुरूर और सनक में नहीं बल्कि होश संभाल के, क्योंकि कहावत पुरानी है, सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी।
लिहाजा जरूरत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए इस हादसे से सबक सीखने की है ताकि फिर कभी ये मंजर सामने न आए। प्रेरित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।